ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, अब हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर संचिता लेखी सिंघी जुड़ गई हैं। संचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। तो संचिता जी से जानते हैं आपका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कुछ खास आपको करना है। शुरुआत मेष वृषभ मिथुन आपसे करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम नए साल में पहला कार्ड हम उन्हीं का ही निकाल रहे हैं। तो आज का जो कार्ड आ रहा है, इनका जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड कार्ड आ रहा है कि अगर आप बिजनेस में हैं या आप कोई इम्पोर्टेंट जॉब में हैं, तो बोल रहा है आज के जो दिन है बहुत ही खास जाने वाला है कि अगर आपकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है, जैसे साल की शुरुआत में ही आप सभी लोग कुछ काम करना चाह रहे हैं, बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई ज़रूरी मीटिंग रखते हैं, तो उसमें आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। इसमें बोल रहा है कि आज का जो दिन है आपका बहुत खास बनाने के लिए आपको लाल रंग जो है वो ज़रूर पहनना चाहिए। और जैसे नए साल की शुरुआत है तो दिन की शुरुआत करते एक लाल रंग का टीका ज़रूर लगा के अपने घर से निकले। बिल्कुल, तो नया साल है और नए साल को कैसे आपको सेलिब्रेट करना है ये संचिता जी बता रही हैं। तो मेष राशि आपके लिए बताया है कि आप दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इस साल के पहले दिन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। वृषभ राशि अब आपके लिए जानते हैं। जी, तो इनके लिए भी हम एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो कार्ड में जो आ रहा है कि बोल रहा है आज का जो दिन है, कहीं ना कहीं घर परिवार वालों की आज आपको सुननी पड़ सकती है। जो आपके घर में बड़े हैं, आपके फादर हो या दादाजी हो या बड़े भाई हो, तो कहीं ना कहीं दूसरों की सुननी आपको पड़ सकती है, उनके हिसाब से आज आपको चलना पड़ सकता है। पर कोई बात नहीं, जब सबके साथ मिल के आप रहेंगे तभी आपका साल जो है शुभ तभी बन पाता है। तो आज आपका दिन और शुभ बनाने के लिए मैं बोलूँगी आपको कोई चांदी की चीज़ अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि चांदी का जो ये हाथी होता है, जैसे दमदार हाथी होता है, वैसे चांदी का हाथी अपने पास ज़रूर रखें इस साल। जी, इस साल चांदी का हाथी अपने पास रखिए। देखिए, दमदार चीज़ें जो हैं वो आपके साथ इस पूरे साल होती रहेंगी। वृषभ राशि, मिथुन राशि अब आपके लिए जानते हैं। जी, तो इनके लिए भी हम एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो कार्ड में जो यहाँ पे कार्ड जो आ रहे हैं, बोल रहा है आज जो है कि कहीं ना कहीं आपके आसपास जो है वो नेगेटिविटी जो है वो बनी हुई है, कि कहीं ना कहीं जो आपके आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बातों में आपको फंसा सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। और जैसे साल की शुरुआत हम कर रहे हैं आज, तो मैं बोलूँगी आपके पूरे घर में जो है हमारे गंगा जल ज़रूर छिड़कना चाहिए कि हम एक पूरे घर की शुद्धि करें। नए साल में जो भी नेगेटिविटी है उन सबको हम धो डालें और एक सफाई के साथ, एक प्योरिटी के साथ उसकी शुरुआत करें। तो मिथुन राशि, ये आपके लिए संचिता जी ने बताया कि किस तरह से नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी और उसके लिए आपको क्या करना है। और अब आगे कर्क सिंह कन्या आपके लिए जानते हैं। कर्क, सबसे पहले आपके लिए। जी, जो कर्क राशि है उनका ये साल और अच्छा कैसे बनाया जाए उस पर हम देखते हैं। तो कर्क राशि का जो आज कार्ड आया है वो बहुत पॉजिटिविटी का कार्ड आया है कि इनके आसपास जो भी चीज़ें इन्होंने जैसे सोची थी, जैसे समझी थी, इन सबके साथ ही इनका साल जो है वो अच्छी शुरुआत मुझे होती नज़र आ रही है कि ये बहुत खुश हैं। जैसे 9 नंबर का एक कार्ड है, यहाँ 9 कप्स बने हुए हैं जो भरे हुए हैं, तो एक सेटिस्फैक्शन का कार्ड है कि जैसे सोचा था वैसी ही चीज़ें हो रही हैं। और जैसे आज का नया दिन का पहला तारीख का दिन है, हमारा पहला दिन है, इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं बोलूँगी आज जो है अपने मुँह मीठा करके ही घर से निकले। अपने मुँह में कुछ भी आप अच्छी मिश्री भी डाल सकते हैं कि आप अच्छे दिन की शुरुआत करें। जी, तो मुँह मीठा करके घर से निकलिएगा कर्क राशि, क्योंकि दिन की शुरुआत अच्छी होगी तो पूरे साल की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी। सिंह राशि आपके लिए जानते हैं। जी, जो सिंह राशि है उनके लिए कार्ड निकाल लेते हैं। तो सिंह राशि का जो कार्ड आ रहा है यहाँ पे, जिसे हम इसे डेथ कार्ड का बोलते हैं, कि यहाँ पे 10 नंबर का एक कार्ड है, तो बोल रहे जो भी बुराई थी, जो भी नेगेटिविटी थी, उसका अंत जो है वो हो चुका है। और जैसे नए साल की शुरुआत करें तो पुरानी बातों को जो है एकदम पीछे छोड़ दें। जैसे पुराने साल को हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, वैसे ही बुरी बातों को, नेगेटिविटी चीज़ों को पीछे छोड़ के ही आगे निकले। इसके साथ साथ मैं बोलूँगी आज जो है आपको वाइट कलर ज़रूर पहनना चाहिए, और साथ ही साथ वाइट कलर की कोई चीज़ जैसे कि दाल है, चावल है, ऐसी चीज़ आप दान में ज़रूर दें। जी, वाइट कलर की कोई भी चीज़ आप दान में दे सकते हैं सिंह राशि, और यह आपके लिए आने वाले पूरे साल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि अब आपकी बात करते हैं। जी, जो कन्या राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं।
तो कन्या राशि बोल रहा है कि आप जो है आज का जो साल की शुरुआत कर रहे हैं सब दोस्तों के साथ मिलके कर रहे हैं और जो भी आपके करीबी हैं उनके साथ आपके साल की शुरुआत हो रही है। तो जैसे हम बोलते हैं साल की शुरुआत जिनके साथ होती है पूरा साल उनका साथ आपके साथ ज़रूर बना रहता है, तो जो भी आपके करीबी हैं उनके साथ ही आज आपका दिन बीत रहा है। इसके साथ साथ दिन अच्छा बनाने के लिए मैं बोलूँगी आपको अपने घर के अंदर जैसे अगरबत्ती के धुएँ से जो पूरे घर का एक क्लेंज हम बोलते हैं कि अगरबत्ती के धुएँ से हर कोने में आपको करना चाहिए कि घर में भी एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। जी, घर में भी पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे और उसके लिए ज़रूरी है कि आपको घर को कैसे क्लीन करना है, कैसे अच्छा बनाना है। छह राशियों की बात हो गई, तुला, वृश्चिक, धनु, अब आपकी बात करेंगे और तुला सबसे पहले आपके लिए जानते हैं। जी, जो तुला राशि है उनके लिए भी हमें कार्ड निकाल लेते हैं। तो तुला राशि का जो कार्ड आ रहा है बोल रहा है कहीं ना कहीं जो है इनकी चीज़ें फंस जाती हैं, ये कोई भी काम करने जाएंगे तो भी चीज़ें फंस सकती हैं। तो जब इतनी नेगेटिविटी होती है तो इनको भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हम ज़रूर बताएंगे आज कि आज जो है इनकी जैसे बड़ी बड़ी इच्छाएँ हैं, जो भी चीज़ ये करना चाहते हैं इनको एक कागज़ सफ़ेद कागज़ पर लाल रंग से अपनी इच्छा जो भी मन की इच्छाएँ हैं वो लिख के इन्हें अपने मंदिर में रखना चाहिए। जो भी ये जहाँ पे भी यहाँ पे पूजा करते हैं जो एकदम बोलते हैं ना पाक जगह होती है, एकदम स्वच्छ जगह होती है, वहाँ इनको अपनी इच्छाएं ज़रूर रखनी चाहिए। जी, तुला राशि, आपको क्या करना है आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए और ख़ास तौर पर नए साल की शुरुआत पहले दिन की शुरुआत कैसे करनी है, वृश्चिक राशि अब आपके लिए जानते हैं। जी, तो इनके लिए भी हमें कार्ड निकाल लेते हैं। तो जो इनका कार्ड आ रहा है वो बैलेंस का कार्ड आ रहा है कि बोल रहा है आज का जो दिन है पैसों के लेन देन के साथ ही साथ खर्चा जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आज का जो दिन है आपको किसी तरीके का फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम साल की शुरुआत में ही थोड़ी फिजूल खर्ची करते हैं तो पूरे साल ही करते रह जाते हैं। तो कोशिश करें कि आज के दिन जो काम ज़रूरी हो उसी में ही अपना मन लगाएं और पैसों के मामले में थोड़ा सा केयरफुल ही रहें। इसके साथ साथ जैसे आपका दिन अच्छा बनाने के लिए मैं बोलूँगी आज जो है आपको अपने घर के सुबह उठते ही खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए कि जो सूरज की रोशनी है उससे आपके घर में खुशियाँ आएंगी, तो आपको अपने घर खिड़की दरवाजे ज़रूर खोलने चाहिए। जी, घर में खुशियाँ अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये संचिता जी ने बताया। धनु राशि अब आपके लिए जानते हैं। जी, तो इनके लिए भी हमें कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो ये जो साल है और आज का जो दिन है ये फाइनेंस से रिलेटेड बहुत अच्छा दिखा रहा है कि कोई अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिससे हमें धन लाभ ज़रूर होगा। अगर आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, किसी को दिए हुए थे बहुत समय से, तो वो भी आ सकते हैं। ये जो नया साल है ये आपके लिए फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं आपको बोलूँगी आज जब आप घर से निकले तो अपने सर पर एक चंदन का टीका ज़रूर लगा के निकले कि एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपके साथ बनी रहेगी, तो चंदन का टीका ज़रूर लगाएं। तो आपको पॉजिटिविटी आज के दिन के लिए और पूरे साल भर के लिए बनाने के लिए चाहिए कि आप चंदन का टीका लगाएं, धनु राशि। और आखिरी तीन राशि हैं मकर, कुंभ, मीन, आपके लिए जानते हैं। और मकर सबसे पहले आपके लिए। जी, जो मकर राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो मकर राशि जो बोल रहा है कि आज का जो दिन है कहीं ना कहीं आप वापस से पुरानी बातों में उलझ जाएंगे, तो बोल रहा है कि आज का जो दिन है कोई पुरानी प्रॉब्लम जो है वो आपकी लाइफ में आ सकती है। और जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं जैसे आज नया साल है, नई शुरुआत हम कर रहे हैं सभी लोग मिलजुल के, तो आज का जो दिन है हम पुरानी बातों पर बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए, आने वाले समय पर ध्यान रखना चाहिए। तो वैसे ही मैं आपको भी बोलूँगी आप ज़रूर एक सफ़ेद कागज़ पर अपने आने वाले साल के लिए जो 2021 हमारा आ गया है इसमें क्या क्या करना है, आपको आपके गोल्स जो एम्बिशंस हैं उन्हें आपको ज़रूर जो आपकी इच्छाएं हैं वो लिखनी चाहिए। और आपको भी मैं बोलूँगी कि इस पर एक चंदन का टीका लगा के मंदिर में ज़रूर रखें। जी, और अब संचिता जी कुंभ राशि के लिए जानना चाहेंगे, उनके लिए आज के दिन के लिए और पूरे साल को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है। जी, तो इनके लिए भी हम यहाँ एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड आ रहा है बोल रहा है आज जो है लेडी लक आपके साथ बना हुआ है कि कहीं ना कहीं जो आपके घर में फीमेल्स हैं, जो आपकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती हैं या आपकी वाइफ हो सकती हैं, उनके साथ समय ज़रूर बिताएं, क्योंकि उनके साथ जो बिताए हुए समय में कहीं ना कहीं जो लेडी लक है वो आपका साथ ज़रूर देगा। आपको मैं बोलूँगी कि आपको जो है सुबह उठ के सूरज को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जैसे नए
साल की शुरुआत हो रही है और लेडी लक भी आपके साथ है, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको जो है आज सुबह और जल्दी उठ के सूरज को जल जरूर चढ़ाएं जी। और आखिरी राशि मीन राशि अब आपके लिए जानते हैं जी। जो मीन राशि है उनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो मीन राशि का जो कार्ड आ रहा है ये फाइनेंसेस को रिलेटेड थोड़ी बहुत परेशानी का कार्ड आ रहा है कि कई बार जो है हम हमेशा जो कमियां होती हैं या जो कम रह जाता है उस पे ही फोकस करते हैं। तो मैं बोलूँगी कि मीन राशि वालों को जो कमी है वो तो आती जाती ही रहती है, पर आज जैसे नए साल की शुरुआत आप कर रहे हैं तो पैसों की चिंता ना करें, धन के बारे में स्ट्रेस ना लें, क्योंकि आने वाले समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। और आज जैसे नई शुरुआत हो रही है पूरे साल की, तो ऐसी चीज़ों में आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं बोलूँगी क्योंकि आपको परेशानी आ रही है तो आप किसी भी चीज़ का दान ज़रूर करें। आज जैसे आप पीले रंग के चावल दान में दे सकते हैं, पीले रंग के कपड़े दान में दे, उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा जी। तो संचिता जी आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी और ख़ास तौर पर जब नया साल शुरू हो गया है तो ऐसे में पूरे साल को कैसे अच्छा बनाएं ये आपने बताया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।